खबर मिल रही है उसका रुख कर लेते हैं। राजस्थान के टोंक से ये खबर, जहां पर गोकशी को लेकर के तनाव लगातार जारी है। लोगों के आक्रोश और शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ हालांकि नामजद FIR दर्ज कर ली है, जबकि 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। बीजेपी और हिंदू संगठन से जुड़े लोग जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गांव में गोकशी के बाद तनाव को लेकर के पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने दावा यह किया है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को जन्माष्टमी से ठीक पहले ललवाड़ी गांव में गौकशी की शिकायत मिली थी और इसके बाद गांव में हंगामा हुआ और पुलिस भी पहुंच गई। लोगों की शिकायत के बाद जब कुछ घरों की तलाश ली गई तो वहां से कई हथियार भी बरामद हुए, जिसे लोगों ने गौकशी के सबूत बताए। नाराज लोगों ने गौवंश के कई अवशेष मिलने की बात भी कही थी। मॉर्निंग में सूचना मिली थी कि एक गोकशी का मामला हुआ है, तो इस मामले पर कुछ लोगों ने विरोध जताया था, इकट्ठे हुए थे और नामजद एक FIR भी इन्होंने दिए जो दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा मुलजिमान की तलाशी है वो हमारी तरफ से जारी है। FSL MOB की टीम घटनास्थल पर कार्रवाई कर रही है, हम स्वयं मौके पर हैं और इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। भंवर पुष्पेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके। भंवर, ऐसा क्यों होता है राजस्थान में कि जब प्रेशर क्रिएट वहां की पुलिस प्रशासन पर किया जाता है तब जाकर के कोई मामला दर्ज किया जाता है, तब FIR दर्ज की जाती है? देखिए, ये राजस्थान पुलिस के साथ एक बदनुमा चीज जुड़ी हुई है कि जब भी कोई घटनाक्रम होता है उसके बाद पुलिस तब जाती है जब आम आदमी उसमें अपनी भूमिका निभाने लगता है या फिर मीडिया का दबाव होता है। एक ऐसा ही मामला दत्तवास थाना इलाके के ललवाड़ी पंचायत की घासी की ढाणी में आया है, जहाँ गोकशी का मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने कुछ अवशेष भी बरामद करवाए हैं पुलिस को, बताया जा रहा है कि ये गाय के अंग हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि FSL जांच के लिए जी पशु के अंग हैं, लेकिन फिलहाल तनाव का माहौल वहां पर बन गया था। जिस गांव में दबिश दी गई है वहां से जो पुरुष हैं वो नदारद हैं, सिर्फ महिलाएं वहां पर रह गई हैं। कुछ हथियार, कुछ धारदार हथियार, कुछ चौकीदार बंदूकें मिली हैं जो अक्सर शिकार के काम में ली जाती हैं, और बंजारा वर्ग के लोग बताए जा रहे हैं जिनको पुलिस ने नामजद किया है। करीब आधा दर्जन लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है। गांव में एक बार तनावपूर्ण माहौल बना था लेकिन फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है जी। लेकिन भंवर, बताया जा रहा है कि गांव वालों ने कुछ सबूत भी दिए हैं हथियार के रूप में, उसको लेकर के क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, हथियारों की जहां तक बात है, मैंने कहा कि कुछ धारदार हथियार है जो बरामद किए गए हैं। उसके अलावा टोपीदार बंदूकें जो शिकार में काम ली जाती है अक्सर, वो बंदूकें भी बरामद की गई, जिनको देसी बंदूक कहा जा सकता है, बिना लाइसेंस की बंदूकें हैं। पुलिस ने उन सबको अपने कब्जे में ले लिया है और फिलहाल सरगर्मी से उन आरोपियों की तलाश है जिनको नामजद किया गया है। बंजारा वर्ग के लोग हैं और शिकार में ये लोग अक्सर काम लेते थे इन हथियारों को। और गोकशी के मामले की जहां तक बात है, उसमें ये देखा जा रहा है कि इसमें कोई ऐसा एंगल तो नहीं है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता हो। पुलिस फिलहाल वहां पर है, एहतियातन आसपास के थानों की फोर्स वहां पर है। मामला अभी कंट्रोल में है। गांव की जहां तक बात है, जिस ढाणी में दबिश दी गई है वहां के जो पुरुष हैं वो वहां नहीं है जी। ठीक है भंवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।